हो जाता है। अभी बारे में शूर लगता है कि अब इस तीनों लोगों में मुझसे बलशाली अब कोई नहीं है। तभी एक दिन भोलेनाथ के सिंहासन को उठाने की कोशिश करी, कैलाश पर्वत जैसे ही लंकापति ने उठाया, इधर बाबा भोलेनाथ ने सिर्फ अंगूठे से ही भार बढ़ाया, जिसमें लंकापति की सभी भुजाएं दब गई। और तभी बाबा भोलेनाथ से पुकार करते और कहते हैं कि हे प्रभु, ये मैं अपने अभिमान में सूर होकर के आपके समक्ष आया था, आप मुझे क्षमा करें, मेरे ऊपर कृपा करें। तभी कहने लगते हैं, और बिल्कुल भैया ओरिजिनल जो कि रावण रचित है, इसके रचित ही लंका नरेश रावण है। बाबा भोलेनाथ को मनाते हैं, क्षमा याचना मांगते और कहने लगते हैं, होरे भोले मेरे भोले मेरे, होरे दर पे मैं आया, होरे चारों दिशाओं में तेरी ही माया, तेरी कृपा से चलता जहां है। और भोलेनाथ लंका पति आज देखो तुम्हारी शरण में आए। लंका नरेश बाबा भोलेनाथ को मनाते और कहते हैं, जटा टबी गलत ज्वलत प्रभाव दस्तल क्षमा याचना करते और कहने लगते हैं, हरी कृपा तुम करी दो, माफ तुम करी दो, गलती को मैं
करी है भोलेनाथ। कहने लगते हैं कि हे बाबा भोलेनाथ, और कृपा तुम कर दो, माफ तुम कर दो, गलती को मेरी भोलेनाथ, और माफी करो शंभु 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 शिव महादेव 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 शंभु 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 शिव महादेव शंभु शंभु करो शंभु शंभु शिव